नमस्कार दोस्तों, घरेलू नुस्खे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को आज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जोर शेयर कीजिए। दोस्तों दाद, खाज, खुजली यह परेशानी ऐसी हैं जो किसी को और कभी भी किसी भी उम्र में हो सकती हैं। खासकर यह परेशानी बचपन और बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा परेशानी देती हैं, या फिर उन लोगों को जो बहुत ज़्यादा नम इलाकों में रहते हैं, या फिर खुद ही सेहत की परवाह नहीं उन लोगों को बहुत ज़्यादा होती हैं। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं स्किन पर होने वाले फंगल इन्फेक्शन, या यह कह लीजिए कि दाद, खाज, खुजली की परेशानी। दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप किन घरेलू उपायों को अपनाकर जल्द ही जल्द इस परेशानी से निजात पा सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ खास इस बारे में। दाद, खाज, खुजली यह ऐसी परेशानी है जो छूने से भी फैलती है। यदि इसका इलाज समय पर नहीं किया जाए तो आपको यह बहुत ज़्यादा परेशानी खड़ी कर देने वाली बीमारी बन जाती है। यह बीमारी कई बार काम करते वक्त किसी चीज़ की बार बार रगड़ लगने के कारण, गीले या नम कपड़े पहन लेने के कारण, या फिर कई बार किसी रोगी के संपर्क में आने के कारण हो जाता है। पर जब यह परेशानी होती है तो रोगी किसी से कहते हुए शर्माता है और साथ ही डॉक्टर को भी नहीं दिखाता, जिससे यह परेशानी बढ़ती चली जाती है। अब आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको बस यह घरेलू नुस्खा अपनाना है और आपकी यह परेशानी गायब हो जाएगी। आपको बस नारियल का तेल और एलोवेरा का प्रयोग करना है। आपको इन दोनों को साथ में बराबर मात्रा में मिला लेना है और उसके बाद इसको उस जगह पर लगाना है जहां आपको परेशानी है। इसका मालिश करना है और आपको इसे सूखने देना है। उसके बाद इसको हल्के गर्म पानी से धोना है। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपकी परेशानी बिल्कुल ख़त्म हो गई है और आप बिल्कुल ठीक हो गए हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।